केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सोम प्रकाश जी जो होशियारपुर से एमपी भी हैं, उनसे बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है अब ये कैसे बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू होगा और कैसे ये सारा मसला सुलझेगा? देखो, जो तीन बिल पार्लियामेंट ने पास किए थे खेती बाड़ी के संबंध में, उनको किसानों के हित में, किसानों के भले के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने पास किए थे। बहुत सारे लोगों ने इसका वेलकम भी किया और इसकी लंबी बैकग्राउंड है। ऐसा ही बिल सरदार मनमोहन सिंह अपनी जब उनकी सरकार थी वो पार्लियामेंट में लाए थे, उसके हक में बोला था ये बिल होने चाहिए। और 2019 का जो कांग्रेस का चोर मैनिफेस्टो, उन्होंने भी डाला था कि हम बिल ये बिल लाएंगे। हमने वो बिल लाया और पास कर दिया और पंजाब के यूनियंस ने इसका विरोध किया और उससे आपको पता है लंबी बातचीत, 5 दौर की लंबी बातचीत हुई उनके साथ, बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई और लगता था ये मतलब मसला सारा सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जो भी डिमांड्स उन्होंने बताई, ये चेंज होना चाहिए, मंडी सिस्टम चेंज होना चाहिए, उस पर टैक्स लगना चाहिए, बाहर से व्यापारी आएगा उसको रजिस्टर होना चाहिए, और जो हमारे कोर्ट में जाना के अधिकार चाहिए, एसडीएम के पास नहीं होना चाहिए, ऐसी बहुत सी मांगे होंगी। इसके बाद भी और भी कोई डिमांड्स उन्होंने रखी है, पोल्यूशन का जो बिल है उससे एग्जेम्पशन होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो नहीं होना चाहिए, जो जो भी मांग उन्होंने कही सारी की सारी हमने मानी, उनको प्रपोज किया। उसके बाद तो एजिटेशन को आगे ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता था। किसान यूनियंस के लीडर्स ने जब हमने प्रपोज किया था 3 तारीख को, दे आर वेरी हैप्पी, ठीक माहौल में बातचीत हुई और वो उठकर गए भी 5 तारीख को फाइनली हम इसको फैसला कर लेंगे। आई डोंट नो किस कारण करके वो उनको बेबस हो गए, जहाँ उनको जो प्रेशर इतना था वो नहीं, जो किसानों की जो भी मांगे उन्होंने की सारी मान ली, उसके बाद जो जिद करना कि हम ये करवाएंगे उसके बाद विड्रा करेंगे, कोई नहीं, अच्छी बात नहीं है। जब बात हमने सारी मान ली जो उन्होंने कहा था, उसके बाद तो कारण नहीं है एजिटेशन को आगे ले आने का। क्या कारण लगता है आपको कि किसान जो हैं, जो अभी तक जो संशोधनों की बात सरकार कर रही है उसको नहीं मान रहे? ये तो ये लीडर ही बता सकते हैं। हमारे पास तो बड़े खुश होकर गए थे, दे वर वेरी हैप्पी, वे हमने सारी बातें मान ली, जो उसके जो मांगे मानी, उसको फिर पूछा को और चीज बताओ जो आपको चाहते हो, जैसे पोल्यूशन का बिल है वो भी होना चाहिए, बिजली का बिल ये भी होना चाहिए। उन्होंने आप जेल कहा, उनसे पूछने के बाद हमने कहा चलो ये भी हम करेंगे, क्योंकि जो किसान देश का अन्नदाता है, सड़कों पर बैठा है, हम सरकार इससे खुश थोड़ी हो सकती है। हमें कंसर्न, हमें तकलीफ है, दर्द है इस बात का। जो लोगों में भ्रम चले गया कि हमारी जमीन नहीं चली जाएंगी, हमारे जो बाहर से जो लोग आएंगे, बड़े कारखानेदार या बड़े उद्योगपति या बड़े अमीर लोग, वो उनकी जमीनें ले लेंगे और ये मजदूर बन जाएंगे, ये भ्रम लोगों में फैलाया गया और हम कोर्ट में नहीं जा सकेंगे, एसडीएम फैसला करेगा। सारी जो भ्रम हमने दूर किया, जो भी लोगों में बात कही है हमने उसको दूर करने के लिए, हालांकि जो कानून बने थे सारे अच्छे थे, पर फिर भी हमने लोगों की भावना को देखते हुए उनको चेंज करने का प्रपोज किया। उसके बाद तो कोई कारण नहीं है एजिटेशन को जारी करने का।